बुद्धि वाला, अभी समझो ये संबंध बुद्धि वाला है, श्रवण करता है ना, कान में जाता है ना, मन में भी जाता है ना, फिर विचार भी इसको नेचुरल चलेगा। फिर ये बोलेगा तो ध्यान करें, तो कौन सा ध्यान करें, कौन सा ज्ञान करें, कौन सा विचार करें। जैसे उसमें 7 का है ना, स्वेच्छा, सुविचारना, तन्मानसा, ये बेपदार्था भावनी, ये माना सब स्टेज है। तो इन्हन के हुआ जेकर माना चंदा जो ये लायक है, इतने माना ये शौकीन नहीं है इस ब्रह्म ज्ञान के, तो भी हम आने क्यों देते हैं। तो थोड़ा वचन सुनेंगे तो बिगने तो होगी ना, धीरे धीरे ज्ञान ध्यान सब आ जाएगा। पर जब हम बोले इसको ज्ञान नहीं है, इसको ध्यान नहीं है, इसको ये नहीं है, तो नहीं हो सकता है। कोई पैदा होने से ज्ञानी कोई नहीं है। तुम बोलो पैदा होने से कौन ज्ञानी है, इतने पैगंबर भी हो गए, कौन ज्ञानी हुआ पैदा होने से? सबने गुरु किया। कृष्ण ने भी साधीपन गुरु रखा, और गुरु नानक गया तो एक संतों के संग में उसको खाना पीना खिला के उसने नाम दिया। मतलब कोई तो था ना, ऐसे आ गए क्या? ऐसे सीधा कोई ज्ञानी कभी नहीं हो सकता है। ध्यान माना भाई गुरु या वचन है, रिलैक्स में अंदर ध्यान करें, विचार करें, गुरु का वचन। ऐसे ज्ञान, ज्ञान के सिवाय ध्यान भी नहीं है, ध्यान के सिवाय ज्ञान भी नहीं है, दोनों इकट्ठे है। और ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञान, 3 है ना। पहले 3 दिखने में आता है, जैसे तुम कोई चीज बनाओ तो 3 देखने में आएगा, फिर जब भी वो इकट्ठा हो गया तो एक ही बन गया। तो ऐसे ज्ञान ध्यान सब अलग अलग बोलता है। तो विचार करो तो तुम्हारा स्थिति कौन सी है, ज्ञान में है, ध्यान में, किसका में? शौक होता है तो मैं जास्ती ध्यान में बैठूं। कोई बोलता है ना ज्ञान के सिवाय गति नहीं है। तो सबको साधन अपना अपना अच्छा लगता है। तो ये बोल नहीं सकते है तो तुमको ये साधन करना है, तुमको ये साधन है, जो जिसमें इसकी इंटरेस्ट होवे वो करे, ध्यान करे, ज्ञान करे, विचार करे, पर मना लगा रहे ना इस बात में। दूसरी बात से ये बात अच्छी है ना। देखो अभी ये सूरज है, सूरज से धूप आती है कि नहीं होती है, शेडो होता है कि नहीं होता है। सूरज माना रोशनी बोलता है ना, ऐसे भले बॉडी है पर है तो लाइट ना, लाइट ना हो तो तुमको प्यार ना हो ना, तुम उसमें खुश रहो। माना लाइट के सिवाय नहीं है, समझो। इतनी जो इतने बॉडी है सबको लाइट थोड़ी है तो तुमको प्यारा लगेगा। जब लाइट देखने में आती है तो प्यार भी होता है, रोशनी भी आती है, और उनसे हमारे को भी चेंज आती है। अभी समझा? गाँव में दुख सुख ना हो, मान अपमान ना हो, तो तुमको ये फीका भी ना लगे। चाहे भले मिथ्या है, वो जगासु के लिए मिथ्या है, पर ऐसे तो प्यार है तो सब अच्छा है। कड़ाई ना होना चाहिए, मिठाई होना चाहिए खाली, वो तो मुंह ही खट्टा हो जाएगा। इसीलिए दुख सुख मान अपमान से फिर आदमी न्यारा हो जाता है। ऐसे अनुभव करते 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 न्यारा हो जाता है, सबका प्यारा हो जाता है। ठीक है, जगत भी अच्छा है, भगवान भी अच्छा है, तू भी अच्छा है, सब अच्छा है। कोई खराब बात भगवान ने नहीं बनाई जो तू बोलेगा भगवान ने ऐसा व्यवहार बनाया, जगत बनाया, ये बनाया बनाया, तो तेरा की तू अपना सोच कर है। तो तुमको क्या लगता है दुनिया में खराबी कौन सी है? आप सत्य की है, सब सत्य, परमात्मा सत्य है, उनसे जो कुछ हुआ है सत्य हुआ है, राइट ही हुआ है। जिकने सच में माया से नहीं गुजरती है तो अनुभव जो करे किसको क्या बताएगा। अभी तुम्हारे से कोई ज्ञान लेता है, तुमको अनुभव होगा माया का तो उसको मिसाल देगा, जो तुमको अनुभव ही नहीं तो क्या मिसाल देगा। इतने जो शास्त्र है सब में कोई ना कोई दृष्टांत का पड़ा है। एक कल एक लड़की ने बोला, एक लड़का था उसको बोला घोड़ेश्वर था, तो उसको एक घोड़ा मिला संभालने के लिए, पर नहीं तो 15 घोड़ा उसके पास था। ऐसे चाट पर बैठ गया और 15 घोड़ा अंदर, वो भी शांत हो गया उनके वाइब्रेशन से। नाले में वो संभाल रहा है, तो वो आप ही घोड़े उनकी शांत और धीरज देख के घोड़े आप ही चल रहे, मना बैठ गए चलाने की शांत। वेदों में ये बातें आती है, उपनिषद में ये बातें आती है। कौन सी नई बात है जो समाधि में बैठेगा तो चौधारी वाइब्रेशन आ जाएगा सबको। अभी समझो किसको कोई अनुभव है कोई नहीं है।